हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे किसी भी फोल्डर को आप हाइड कर सकते हो और फिर उसे अनहाइड भी कर सकते हो। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि फ़ोटो किसी भी फोल्डर में कैसे लगाते हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप वहाँ से देख सकते हो। तो और मेरा वीडियो कैसा आपको लगा ज़रूर कमेंट करें। तो सबसे पहले कोई भी आप फोल्डर बना लोगे, कोई भी जैसे फोल्डर, ये देखिए फोल्डर बना हुआ है। अब इसे हाइड करने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करोगे और राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद रीड ओनली आ रहा है, रीड ओनली पर क्लिक करके हटा देना है और हिडन पर क्लिक करके अप्लाई देन ओके कर देंगे तो ये थोड़ा सा हाईलाइट जैसा हो जाएगा, मगर पूरी तरह से हाइड अभी भी नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, मतलब ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ऑर्गेनाइज पर आना है और इसके बाद फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन पर आना है। इसके बाद आपको व्यू में आना है यहाँ पर, और व्यू में आने के बाद डोंट शो हिडन फाइल फोल्डर और ड्राइवर्स, तो इस पर अप्लाई करना है, ओके करना है। तो आप इसे जैसे क्लोज कर देखो, ये हाइड हो चुका है हमारा न्यू फोल्डर नाम से जो भी फोल्डर था। उसे अगर वापस लाना है तो आपको क्या करना है, किसी भी फोल्डर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ऑर्गेनाइज में आना है और यहाँ पर आने के बाद फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन, और इसके बाद व्यू, व्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आना है शो हिडन फाइल एंड फोल्डर, इस पर क्लिक करने के बाद अप्लाई देन ओके, और इसे क्लोज करने के बाद देखो ये आ गया, न्यू फोल्डर मेरा ओपन हो गया है, मतलब दिख रहा है। और इसके बाद पूरी तरह से अभी भी नहीं दिख रहा है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज पर आने के बाद आपको यहाँ से हिडन हटा करके अप्लाई देन ओके करना है, तो इसके आपका पूरा फोल्डर आ सकता है। तो आप देख, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, और ऐसे ही ट्रिक और बहुत सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।